Hey guys, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज के वीडियो में अब बात करने वाले हैं रियल क्रिकेट 22 के बारे में, और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा रियल क्रिकेट 22 के कुछ फीचर्स के बारे में, और रियल क्रिकेट 22 कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और साथ ही मैं नेक्स्ट ट्रेलर कब तक क्या आने वाला है, फुल डिटेल के साथ यहाँ पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए गाइस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए। तो गाइस यहां पे रियल क्रिकेट 22 की अगर बात करी जाए तो रियल क्रिकेट 22 का फर्स्ट टीजर यहां पे आउट हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग ने देख लिया होगा। वेरिएबल बाउंड्रीज के बारे में उसमें कुछ बताया गया था और ग्राउंड राउंड को भी कुछ यहां पे मेंशन करा गया था। सो यहाँ पे गाइस फर्स्ट टीजर मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि हाँ गेम बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होने वाला है, और साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें ग्राफिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उन्होंने करा है, और ट्रेलर तो मुझे यहाँ पे टीजर जो यहाँ पे देख रहा उसमें यहाँ पे बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बाकी यहाँ पे अभी पूरी तरीके से कुछ भी यहाँ पे कंपनी ने नहीं बताया क्या मतलब कैसा गेम प्ले आने वाला है या कैसे आप लोगों को एनिमेशन कट सीन्स देखने को मिलेंगे या क्या कुछ इसमें क्राउड का सीन अभी मतलब बहुत पूरी तरीके से इसमें क्लियर नहीं करा गया है। तो वेट करिए यहाँ पे गाइज, अभी तो बहुत सारे ट्रेलर आने बाकी हैं, तो जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसके बारे में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फीचर्स के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहला फीचर्स तो पता चल गया होगा वेरिएबल बाउंड्रीज का। तो आप लोगों को यहाँ पे अनेबल मतलब कई तरीके की बाउंड्रीज देखने को मिलने वाली हैं। आप लोगों को पहले के क्रिकेट गेम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था, चारों तरफ बिल्कुल सेम बाउंड्री होती थी, जिधर चाहे उधर छक्का मारे आप लोगों को सेम आप लोगों को देखने को मिलता था, और आसानी से आप लोगों को मीटर भी कुछ ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता था। बट रियल क्रिकेट 22 में ऐसा नहीं है, आप लोगों को सीधे की तरफ आप लोगों को ज्यादा दिखाया गया है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे इधर उधर आपकी बाउंड्रीज थोड़ी छोटी करी गई हैं और सामने की तरफ की बहुत ज्यादा लंबी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को सिक्स इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला अगर आप लोग सामने की तरफ मारते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मुझे फीचर लगा है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ फर्स्ट टाइम ऐसा क्रिकेट गेम है जिन्होंने ये फीचर ला के हम लोग को दिया है। और आगे यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो डे नाइट का आप लोग यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि आप लोग को दिन से रात मतलब जो डे नाइट मैचेस होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पूरा पूरा दिन 50-50 ओवर के दो सुबह से शाम हो जाती है, तो ऐसा भी अपने बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है, मे भी शायद आ भी सकता है और नहीं भी। तो आगे यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे मल्टी लैंग्वेजेस कमेंट्री का बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो गाइस कमेंट्री तो कन्फर्म आने वाली है, वो भी लेजेंड्स की आएगी। तो लेजेंड्स की कमेंट्री आने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल क्रिकेट 20 में आप लोगों को देखने को मिलती है संजय मांजरेकर सर की, और रियल क्रिकेट 22 में भी आप लोगों को ऐसे कोई लेजेंड की कॉमेंट्री देखने को मिलने वाली है, और कॉमेंट्री भी एक दो नहीं अच्छी खासी कॉमेंट्री आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। और फिलहाल जैसे ही मतलब कॉमेंट्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मे भी शायद नेक्स्ट ट्रेलर कॉमेंट्री के ऊपर भी हो सकता है। बाकी मैं आप लोगों को आगे और भी फीचर्स बताऊँ तो और भी फीचर्स के यहाँ पे बात करी जाए तो करियर मोड जैसा फीचर और भी मतलब यहाँ पे डिमांडिंग बहुत ज़्यादा फीचर्स की हैं। करियर मोड हुआ या फिर प्लेयर इंजरी का फीचर, और यहाँ पे जैसे कि ग्राउंड में यहाँ पे पिच रिपोर्ट का फीचर हो जाता है, कई सारे ऐसे फीचर हैं जो भी रियल क्रिकेट 22 में मे भी शायद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी कुछ फीचर्स तो ट्रेलर से कन्फर्म हो चुके हैं। करियर मोड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो करियर मोड भी यहाँ पे कन्फर्म है, बट आप लोगों को फर्स्ट टीजर में यहाँ पे देखने को मतलब जब फर्स्ट लुक यहाँ पे आप लोगों को गेम प्ले का आएगा तब आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे फर्स्ट फेज में कंपनी अभी अपने पूरे गेम प्ले पर फोकस करने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को अपडेट्स के जरिए करियर मोड और बाकी जो भी फीचर्स हैं यहाँ पे अनलॉक होते रहेंगे। तो WC3 ने भी ऐसे ही करा था, मतलब धीरे धीरे आप लोगों को करियर मोड बाद में ही आया था, इसमें अपडेट के जरिए सबसे पहले उन्होंने भी गेम पर ही फोकस करा था। तो रियल क्रिकेट भी कंपनी ऐसे ही करने वाली है, सबसे पहले गेम पर फोकस, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे। तो आगे आप लोगों को बताएं इसके क्या हो सकती रिलीज डेट। तो मेरा जो ओपिनियन है मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुझे लगता है यहाँ पे मार्च के एंड में या अप्रैल का फर्स्ट वीक, मार्च के एंड में आसान आने के लिए चांसेस बता रहा हूँ, क्योंकि उसी टाइम पर यहाँ पे IPL भी आप लोगों को उसी के टाइम मतलब अप्रैल में भी शायद IPL स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी टाइम पर इसलिए आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आप लोगों को पता है कि IPL के समय पर क्रेज़ क्रिकेट का बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि IPL के टाइम पे इसको रिलीज़ करा जाए। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ नेक्स्ट ट्रेलर भी बहुत जल्दी आने जाए, विद इन 10 या 15 डेज के अंदर मुझे लगता है यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेलर भी आ जाएगा, और नेक्स्ट ट्रेलर मुझे लगता है यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया तो हो सकता
है कमेंट्री को रिवील करके यहाँ पे कमेंट्री के रिलेटेड कुछ आप लोगों को यहाँ पे रिवील कर दिया जाए। बाकी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन रियल के 22 से रिलेटेड निकल के आती है मैं आप सभी को इसके बारे में बता दूंगा। सो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप सभी को बहुत ही जल्दी नई वीडियो में, तो जय हिंद, गुड बाय।